हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर की सब्ज़ी बिना लहसुन और प्याज के। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसकी रेसिपी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिए। तो गाइस, ये हमने आलू को डाल दिया है पानी में और इसको कुकर को ढक करके इसमें हमें एक सीटी लगा देनी है। तो गाइस, ये देखिए, ये सारी चीज़ें हम डालने वाले हैं इसके अंदर। ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं और अलग से आपको कुछ नहीं डालना है। इसमें हमने मिर्च लिया है और टमाटर लिया है और इसके अंदर हमने मटर ले लिया है, अदरक है और काली मिर्च है इसके अंदर, और कस्तूरी मेथी है सूखी। तो ये सारी चीज़ें इसमें डलेंगी। गाइस, हमारे आलू बिल्कुल उबल के रेडी हो गए हैं, देख रहे होंगे आप इसको। ये इसमें से भाप निकल रहा है, ये हमारा पक गया है बिल्कुल अच्छी तरह से। और गाइस, ये हमने टमाटर और मिर्ची और अपना अदरक हमने इसमें डाल दिया है मिक्सी में, और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो गाइस, ये हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड कर लेंगे। सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, रिफाइंड में बना सकते हैं। हम सरसों के तेल में बनाते हैं, सरसों तेल में काफ़ी टेस्टी बनती है ये। गाइस, ये हमारा तेल बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें हमने तेज पत्ता डाल दिया है दो, और इसमें थोड़ी सी हींग ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हमने डाल दिया है 2 चम्मच जीरा, पेस्ट डालेंगे। और अब हमने जो हमने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट इसमें डाल लेंगे। ये पेस्ट डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह चला लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे। इसमें नमक हम 1.5 चम्मच डालेंगे। इसमें हम 1.5 चम्मच नमक डाल रहे हैं। और अब मसालों को अच्छी तरह चला लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको ढक देंगे और ताकि अच्छी तरह पक जाए। तो गाइस, अब इसको ढक्कन को हम हटा लेंगे। जैसे कि हमारा मसाला बिल्कुल पक के रेडी हो गया है, तेल इसके ऊपर आ गया है। तो गाइस, इसके अंदर हम 1/2 चम्मच अपना गरम मसाला ऐड कर लेंगे इसके अंदर। इसके अंदर थोड़ी सी हमने जो कस्तूरी मेथी ली थी आपको दिखाया था, क्रश करके आपको डालनी है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको डाल के और इसको फिर चला लेंगे। तो गाइस, इसके अंदर हम अपने मटर को ऐड कर रहे हैं। ये मटर हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद हमने जो आलू उबाले थे वो आलू हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसको हम इसको अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से हमारे आलू मटर में मिल जाए। इसके अंदर थोड़ा सा हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, जिससे हल्का सा इसमें रेडनेस का कलर आएगा। ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं और नहीं भी। और गाइस, ये इसके अंदर हम हाई फ्लेम पे इनको अच्छी तरह से हम चला लेंगे ताकि जो मसाला है हमारे मटर और आलू अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लें। गाइस, इसके अंदर हम 1.5 गिलास पानी डाल लेंगे। इसको हम 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे और इसमें उबाल आ जाएगा जब तक। गाइस, हमारा ये बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। ये बहुत अच्छा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल तैयार हो गया है ये। गाइस, ये हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे बनाते हैं आलू मटर की सब्ज़ी बिना लहसुन और प्याज के। तो गाइस, आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।